ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી ધીરે ધીરે હવે આગળ વધી રહી છે અને આજ રોજ સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને પાટીદાર અગ્રણી મહેશ સવાણી દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાની હાજરીમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી હવે જે રીતે ગુજરાતમાં મજબૂત થઈ રહી છે તેને લઈને આમ આદમી પાર્ટી હવે 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સત્તા મેળવવાના સપના પણ જોઈ રહી છે ત્યારે તેને લઈને સ્વાભાવિકપણે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીનો ચહેરો કોણ હશે તેને લઈને પણ સવાલો થઈ રહ્યા છે જ્યારે આજરોજ દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાને આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેઓએ શું જણાવ્યું આવો સાંભળીએ अभी मुख्यमंत्री से पहले हम जनता के बीच जाके ये चर्चा करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी करेगी क्या। आम आदमी पार्टी वो सब करेगी जिसका सपना लोग देख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव से पहले तय होगा, गुजरात के लोग तय करेंगे, गुजरात के कार्यकर्ता तय करेंगे। આમ હાલ તો દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી આ વિશે સ્પષ્ટ રીતે કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે અને તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે વિધાનસભાની ચૂંટણી અગાઉ જ નક્કી થશે। જો કે ગુજરાતમાં હવે ગોપાલ ઇટાલિયા ઈશુદાન ગઢવી સહિત અન્ય અગ્રણીઓ પણ જોડાઈ રહ્યા છે ત્યારે સૌ લોકોની નજર એ છે કે આમ આદમી પાર્ટીનો ચહેરો કોણ હશે। પરંતુ આ બાબતે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો ખોળ નથી પાડવામાં આવી રહ્યો। જો કે તો સમય આવે ખબર પડશે કે આમ આદમી પાર્ટીનો ચહેરો કોણ હશે। પરંતુ આજ રોજ સુરત ખાતે આવેલા મનીષ સિસોદિયાએ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે યોજાશે ત્યારે તેઓ સ્પષ્ટ રીતે કોંગ્રેસને ઇગ્નોર કરી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। મહેશભાઈને કહા કે આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીમાં અભી ખાલી પ્લોટ કી તરહ સે હૈ, ગુજરાતમાં એક એસે પ્લોટ કી તરહ જિસ પે એક અચ્છા નયા આધુનિક ગુજરાત કા મકાન બનાયા જા સકતા હૈ। उसकी यहाँ नींव रखने वाले भाई गुलाब भाई और साथ साथ आज इस पार्टी में शामिल हो रहे, इस पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे और अभी अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति से हम सबके अंदर जोश भरने वाले महेश भाई, मैं सबसे पहले तो महेश भाई का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ती जा रही है। चार महीने पहले मैं यहाँ जब आया था चुनाव के समय पे, तो आप में से कई पत्रकार साथियों ने बहुत जायज़ बात करते हुए पूछा था, भाई आप नई नई पार्टी हैं, आपका जोश है लेकिन स्थायित्व कितना है, विस्तार की संभावनाएं कितनी हैं। चार महीने के अंदर अंदर हम सब गवाह हैं कि जिस तरह से सूरत, सिर्फ सूरत की बात करें तो सूरत के आम लोगों ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके एक यंग एजुकेटेड टीम पॉलिटिक्स में लेके आए हैं सूरत के लोग, और जिस तरह से लगभग लगभग 120 दिन हो गए, 125 दिन हो गए करीब उनको चुने हुए, जिस तरह से उन सब लोगों ने ज़मीन पर उतर कर काम किया है, अब सिर्फ दिल्ली का काम नहीं है, अब गुजरात का भी काम बोलने लगा है। आज गुजरात के पार्षदों का काम भी बोलने लगा है, उनका आचरण बोलने लगा है, उनकी ऊर्जा बोलने लगी है, उनकी पॉलिटिक्स बोलने लगी है गुजरात में। तो उस सब से प्रभावित होकर आज महेश भाई आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी के प्रति आम आदमी पार्टी के नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के प्रति एक उनका सम्मान है कि उन्होंने इतना लंबा समय समाज सेवा में लगाने के बाद, और एक सिर्फ समाज सेवा नहीं साथ साथ एक सफल उद्योगपति होने के बाद ये तय किया कि अब मैं आम आदमी पार्टी में आके वो सेवा करना चाहता हूँ जिसको मैं जीवन भर करता रहा, जिसके लिए मैं अपना कमाया हुआ पैसा लगाता रहा। आज मैं आम आदमी पार्टी में शामिल होकर गवर्नेंस में, राजनीति में वो बदलाव लाना चाहता हूँ जिसको मैं समाज सेवा के जरिए लाता रहा। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और हमारे सबके लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह की बात है। आज मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, गुजराती के शब्दों को उतना नहीं पकड़ पाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना कि भावना की कोई सीमा नहीं होती है, तो जिस भाव के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी उससे बहुत स्पष्ट हुआ कि उनको भी बहुत उम्मीद है,
और गुजरात के एक एक व्यक्ति को बहुत उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के ये लोग अब गुजरात में एक नई राजनीति की इबारत को सफल बनाएंगे और उस सपने को सफल बनाएंगे जिसको सपने को लेके लोग कई बार कांग्रेस को और उसके बाद लगातार कई वर्षों से बीजेपी पे भरोसा करते आए हैं, वो भरोसा अब आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। तो मैं आज इस अवसर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, अपने सभी नवनियुक्त पार्षदों को जिन्होंने 125 दिन के अंदर अंदर इतना शानदार काम किया है ज़मीन पर उतर कर के, लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनकी राजनीति में और बढ़ा है, और उन तमाम लीडर्स को बधाई देना चाहता हूँ। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आज पूरे देश में राजनीति की बात करें तो एक पार्टी है, और ख़ास तौर से गुजरात की बात करें तो एक पार्टी है जो पिछले 20-22 साल से 27 साल से कई जगह पर सत्ता में बैठी है, वो सत्ता की पार्टी है, और एक पार्टी है जो जनता के बीच बैठी है और जनता के बीच से निकल कर आ रही है। आज आने वाला चुनाव जो होगा गुजरात का, वो सत्ता में बैठी पार्टी और जनता के बीच से निकल के आ रही पार्टी के बीच ही होना है। और दिल्ली में जैसे मैंने अपील की थी दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली में जब लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की बदौलत वो काम 5 साल में हो सकते हैं जो कांग्रेस पिछले 80-90 साल के मकान में रह के नहीं कर पाई, और बीजेपी 20-25 साल के मकान में रह के नहीं कर पाई, वो केवल 5 साल में वो काम हो सकते हैं। तो मैं गुजरात के साथियों को भी कहना चाहता हूँ, गुजरात के अपने भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में अपने विश्वास को और मजबूत करें, अपने संकल्प को, और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हों। एक बार आम आदमी पार्टी को जहाँ जहाँ आप देखते चले जाएंगे आप बीजेपी और कांग्रेस को भूलते चले जाएंगे, ऐसा हमारा दावा है। धन्यवाद, मैं आपके प्रश्न लेना चाहूँगा। अभी मुख्यमंत्री से पहले हम जनता के बीच जाके ये चर्चा करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी करेगी क्या। आम आदमी पार्टी वो सब करेगी जिसका सपना लोग देख रहे हैं। वो मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव से पहले तय होगा, गुजरात के लोग तय करेंगे, गुजरात के कार्यकर्ता तय करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज। महेश भाई के साथ में, महेश भाई का आना अपने आप में इस बात का संकेत है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के तमाम डरावने चेहरों के बावजूद, तमाम उनके आक्रांत एटीट्यूड अब उनके अप्रोच के बावजूद, आज गुजरात के आम व्यापारी में, गुजरात के आम आदमी में जो गुजरात के लिए सपना देखता है, कुछ संकल्प जग रहा है। आज महेश भाई में जगह है, अभी आप आने वाले समय में देखेंगे और बहुत सारे लोगों के अंदर वो जगेगा, और वो आगे आके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके एक नए गुजरात के लिए सबका साथ थामेंगे। एक सेकंड, उनको पूछ रहे आपकी बात ठीक है, दो ही पार्टी को बात पॉलिटिक्स होगी, और अब जो पॉलिटिक्स होगी वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ही होनी है। एक मिनट, उनका सवाल देखिए, अगर 5 साल में दिल्ली में हो सकता है तो ये सवाल तो गुजरात के लोग भी पूछ रहे हैं कि यहाँ 27 साल से बीजेपी क्यों नहीं कर पाई, और उससे पहले कांग्रेस इतने समय रह पाई वो क्यों नहीं कर पाई। आप आने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस बात पर, फिर बताएंगे, आपको आके सब रखेंगे, सब पे बात करेंगे आपसे। अभी समय आने दीजिए, बहुत सारे लोगों को जिनको उम्मीद है कि अब समय बदलेगा, राजनीति बदलेगी, बहुत लोग और ज्वाइन करेंगे।
देखिए, आज गुजरात में हम तो जहां भी जा रहे हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चारों तरफ बन रहे हैं नए, और इसी उम्मीद पर बन रहे हैं कि भाई जो विकास की बात होती है उसमें स्कूल विकास में है कि नहीं है, सरकारी अस्पताल उस विकास में है नहीं, गांव के किसान के लिए, गांव के युवा के लिए रोजगार उसमें है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो जो महेश भाई ने रखा, और ये महेश भाई का काम अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उस विकास के मॉडल के बीच अगर गुजरात के एक उद्योगपति को अपना पैसा लगाकर वो काम करना पड़ रहा था जो सरकार को करना चाहिए था, तो गैप तो बहुत बड़ा है। तम पे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म बीजेपी बना भारतीय जनता पार्टी से, आज उसका फुल फॉर्म भारतीय झगड़ा पार्टी हो गया है। आज उसके पास केवल और केवल झगड़ने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वो सूरत नगर निगम में बैठती है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से झगड़ती है, वो वेस्ट बंगाल से झगड़ लेती है उनके मुख्यमंत्री और उसके चीफ सेक्रेटरी से झगड़ लेती है, वो ट्विटर से झगड़ लेती है। आजकल भारतीय जनता पार्टी केवल भारतीय झगड़ा पार्टी बनकर रह गई है। उनके पास ना गुजरात के लिए कोई काम है ना देश के लिए कोई काम है। कोविड मिसमैनेजमेंट, उन्हें जब उनको मैनेजमेंट करना था तो वो चुनाव लड़ रहे थे, जब चुनाव हार गए तो चुनी हुई सरकारों से लड़ने लगे। तो आज की तारीख में केवल और केवल उनका यही काम रह गया है, और क्यों रह गया है उसको भी समझ लीजिए। मुझे मेरे साथियों ने इस पर चर्चा की मुझसे, उन्होंने मुझको बताया कि सूरत में नगर निगम में शिक्षा समिति जो है वो 600 करोड़ रुपए के शिक्षा के बजट पर फैसला लेती है। सूरत नगर निगम के स्कूलों के 600 करोड़ के बजट पर भारतीय जनता पार्टी मनमर्जी चलाती आई है पिछले कई वर्षों से। आज जब ये अवसर आया, सूरत के लोगों ने उनको चुनौती देके कहा कि अब हमें आप पे भरोसा नहीं है, तो ये मौका आया कि दो पार्षद अगर आम आदमी पार्टी के उसमें शामिल हो जाते उस कमेटी में तो उनकी 600 करोड़ की चोरी रुक सकती थी। आज अगर वो इसलिए नहीं लड़े इसलिए कि उनको 600 करोड़ की चोरी बरकरार रखनी है। भारतीय जनता पार्टी सूरत नगर निगम में शिक्षा के बजट की 600 करोड़ की चोरी को बरकरार रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने सारी धांधली की, और धांधली करके आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को समिति में नहीं आने दिया। देखिए, डेमोक्रेसी है, आज डेमोक्रेसी में इतने सारे पत्रकार यहाँ बैठे हैं, इतने सारे चैनल्स यहाँ बैठे हैं, सब एक दूसरे की बात को ऐड करके उसको डेमोक्रेसी बनाते हैं। वो जो राजनीति में कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी को मजबूत करें, हम जो राजनीति में कर रहे हैं हम डेमोक्रेसी को मजबूत करें। हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बी सेटिंग किसकी है, सबको पता है। मैंने वहां भी स्पष्टता दी थी इस बारे में कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर में एक रिपोर्ट बनाई और उस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर लगाया है, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी के जो सदस्य हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ऐसा आरोप लगाना बेबुनियाद है, ऐसी कोई रिपोर्ट अभी बनी ही नहीं है। तो फिर बार बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैंने चुनौती दी थी, आज लगभग 72 घंटे हो गए, कि भाई जिस ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उस ऑडिट कमेटी के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अप्रूव्ड कोई रिपोर्ट तो लाओ, कोई रिपोर्ट अब तक लाए नहीं, बोले रिपोर्ट है जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो फिर वही वो झगड़ा करने का बहाना है, बीजेपी को कोई झगड़ा करने का बहाना मिल जाता है।